हेलो दोस्तों, अगर आप भी टाइपिंग करना पसंद करते हो, लिखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो में बहुत ही कमाल की वेबसाइट लाया हूँ जहाँ से आप टाइप करके लिख कर अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेंड्स आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, आप चाहे जिस लैंग्वेज में लिख कर और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो इस वेबसाइट से। और फ्रेंड्स इस वेबसाइट का जो मिनिमम विड्रॉल है, यहाँ पे आपका $2 होते ही आप इंस्टेंटली विड्रॉल भी ले सकते हो। और दोस्तों इस वेबसाइट का जो पेमेंट मेथड है, आप अपने गूगल पे अकाउंट में ले सकते हो, फोन पे अकाउंट में ले सकते हो और अपने पेटीएम अकाउंट में ले सकते हो, जो कि इंडियन के लिए बहुत ही अच्छा पेमेंट मेथड है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सी वेबसाइट है, कैसे हमें वर्क करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ गया हूँ। आप चाहो तो अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो। आपको अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। आपको वहाँ पे गूगल पे सर्च करना है paidforarticles.com। जैसे ही आप सर्च करते हो paidforarticles.com, आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाती है। दोस्तों आपको इस वेबसाइट पे वर्क क्या करना है जिससे कि आपको अर्निंग हो सके, तो दोस्तों आपको यहाँ पे आर्टिकल लिखने के पैसे मिलने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पर आर्टिकल पे अर्निंग होने वाली है। आप आर्टिकल को कैसे लिखोगे ये जानेंगे हम आगे वीडियो में। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको पर आर्टिकल पे कितना अर्निंग होने वाला है। उसके लिए आपको यहाँ पे राइट एंड गेट पेड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पे आपको अर्न वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे लिख के आ रहा नो लिमिट ऑन आर्टिकल पब्लिश। आप चाहे जितना आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लिख के आ रहा है मोस्ट भी 100% ओरिजिनल कंटेंट। आपका ओरिजिनल कंटेंट रहना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड दिख रहा होगा। इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा है विड्रॉल मेथड है। आप पेपल अकाउंट से ले सकते हो, गूगल पे अकाउंट से ले सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से अपने पेटीएम अकाउंट में ले सकते हो, आप अपने फोन पे अकाउंट में ले सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिनिमम विड्रॉल दिख रहा है। यहाँ फ्रेंड्स आपको पेटीएम में $2 मिनिमम होते ही आप अपने पेटीएम अकाउंट में ले सकते हो। अपने गूगल पे अकाउंट, फोन पे अकाउंट के लिए आपको $5 मिनिमम होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ से गूगल पे फोन पे अकाउंट में ले सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पेपल अकाउंट में $3 मिनिमम होना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ पे पेटीएम पे $2 होते ही अपने पेटीएम अकाउंट में ले सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा यहाँ स्क्रॉल करना होगा। यहाँ फ्रेंड्स आपको पे आउट रेट दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है अर्निंग पर 1000 व्यू। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप आर्टिकल पब्लिश करते हो, तो दोस्तों जैसे ही लोग उस आर्टिकल को देखते हैं, यहाँ पे आपको 1000 व्यू पर अर्निंग होने वाली है। आप यहाँ महीने में 10 आर्टिकल पब्लिश करते हो और 1000 लोग व्यू कर लेते हैं, तो जाके यहाँ पे हमें अर्निंग होने वाली है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं, हमारा इंडिया कंट्री है, इंडिया में 1000 व्यू पे कितना पैसा मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया में आपको $10 मिलने वाला है 1000 व्यू पर, जो कि 700 से ज़्यादा है, वो भी अच्छा है। फ्रेंड्स आप यहाँ पर अगर ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश करते हो तो आपका ज़्यादा अर्निंग होने का चांस होता है। आपका आर्टिकल यूनिक रहता है तो व्यू होने का चांस भी ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं इस पर हमें आर्टिकल कैसे लिखना है और कैसे पब्लिश करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको होम पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारी कैटेगरी दिख रही होगी, बिजनेस कैटेगरी, गेमिंग कैटेगरी। आप इन सभी कैटेगरी में आर्टिकल को लिख सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छी बात यह है, यहाँ पे लिख के आ रहा है वांट टू राइट आवर आर्टिकल इन हिंदी। आप हिंदी लैंग्वेज में आर्टिकल लिख के यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल लिख के पब्लिश कर सकते हो। अगर आपको हिंदी में कंफर्टेबल होता है तो आप हिंदी में आर्टिकल को लिख के यहाँ से पब्लिश कर सकते हो। तो दोस्तों हमें आर्टिकल किस तरीके से लिखना होगा, तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज़ कर लेना होगा, आप किस कैटेगरी में आर्टिकल को लिखना चाहते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जैसे कि बिजनेस पे लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं बिजनेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे बिजनेस के आर्टिकल पहले से ही लोगों ने लिख के यहाँ पे पब्लिश किया है, आप इनसे आइडिया ले सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिख के रहा हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम सोशल मीडिया। तो इस प्रकार से आप आइडिया ले सकते हो कि आपको कैसे लिखना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये आर्टिकल ओपन हो गया है।
तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं हेडिंग लिख के आ रही है हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम सोशल मीडिया। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप हेडिंग आपको लिख लेना है, इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए जैसे इन्होंने लिखा है कुछ इस प्रकार से आप भी लिख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स ये ज़्यादा नहीं लिखे हैं, 500-600 वर्ड का ये आर्टिकल लिखा हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों आप इनका आर्टिकल पढ़ के हिंदी में भी लिख के यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश आती है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो फ्रेंड्स आप गूगल ट्रांसलेट करके जो है इंग्लिश को हिंदी में लिख के आप यहाँ से हिंदी में पोस्ट कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स इस साइट पे हिंदी में अभी बहुत ही कम आर्टिकल है और कंपटीशन भी आपको बहुत ही कम देखने को मिलने वाला है। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे हिंदी में आर्टिकल को पोस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आप जिस कैटेगरी को चाहो उस कैटेगरी में आप आर्टिकल को लिख सकते हो। आप अदर वेबसाइट पे टॉपिक सर्च कर सकते हो और वहाँ से आइडिया लेकर आप आर्टिकल को लिख के यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। तो दोस्तों हमें आर्टिकल को कहाँ पर लिखना है, सबसे पहले फ्रेंड्स इस वेबसाइट पे हमें रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर रजिस्टर वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर अपना नेम डालना है, यूजर नेम डालना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल के यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड करके यहाँ पे आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने जो है आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप जैसे ही लॉगिन करते हो आपके सामने यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन होके आ जाती है। तो दोस्तों हमें आर्टिकल कैसे लिखना है इस वेबसाइट पे, तो दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड आर्टिकल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपके आर्टिकल का जो है टाइटल डालना होगा, तो आप जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो उसका टाइटल यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लेना होगा आपका आर्टिकल किस कैटेगरी का है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देख लेना होगा इन सभी कैटेगरी में ही आपको आर्टिकल लिखना है और यहाँ से आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ जो भी आपका कैटेगरी है आप यहाँ से चूज कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आर्टिकल का जो समरी है यहाँ पे आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स आप आर्टिकल का समरी यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कंटेंट में आपको यहाँ पे पूरा कंटेंट लिखना है आर्टिकल का। आर्टिकल का जितना भी कंटेंट है आपको यहाँ पे पूरा लिखना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप इन टूल की मदद से इमेज लगा सकते हो, म्यूजिक लगा सकते हो और उसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो इस प्रकार से आप यहाँ से आर्टिकल पूरी तरीके से लिख सकते हो। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही आपका आर्टिकल यहाँ पे लिख कर कम्प्लीट होता है आप यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पे आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से आर्टिकल को पब्लिश करके अर्निंग कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल होती है तो मेक श्योर आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।